हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बात करेंगे चेहरे के रोम छिद्र यानी के ओपन पोर्स को कैसे ठीक किया जाए और एक मुलायम और जवान त्वचा कैसे पाई जाए। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने चेहरे का यानी कि अपने स्किन का ध्यान नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, ओपन पोर्स होने के बहुत से कारण होते हैं। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जिनकी स्किन ऑयली होती है यानी कि जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा तेल आता है। दोस्तों, तेल आने की वजह से क्या होता है, हमारे पोर्स खुलने लगते हैं और कई बार हमारे चेहरे पर पिंपल्स भी हो जाते हैं, क्योंकि तेल आने से क्या होता है, जो धूल मिट्टी होती है वो हमारे स्किन पर आसानी से चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर पिंपल्स भी आने लगते हैं। और पिंपल्स जब आते हैं तो चेहरे पर दाग धब्बे और बड़े बड़े खड्डे भी छोड़ जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आज के नुस्खे के सिर्फ 5 मिनट के इस्तेमाल से सिर्फ 7 दिन में आप अपने पोर्स को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे और एक मुलायम, सुंदर और जवान स्किन जो जैसे आपकी पहले थी वैसे आप पा सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई भी टिप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नुस्खे को। इस नुस्खे में जो सबसे पहले हम यूज करेंगे दोस्तों, वो है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। दोस्तों, ये देखिए, मुल्तानी मिट्टी आपको किसी भी जनरल स्टोर या पंसारी दुकान पे 5 से 10 रुपए में बहुत ज्यादा इतनी मात्रा में कम से कम आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे में हम लेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर का। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर हमारे चेहरे के लिए काफी है। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को टाइट करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। पुराने जमाने में जो बुजुर्ग लोग होते थे, उस वक्त साबुन नहीं हुआ करता था, लोग मुल्तानी मिट्टी से ही नहाते थे, मुल्तानी मिट्टी से ही अपने बाल धोते थे और अपना शरीर को भी मुल्तानी मिट्टी से ही साफ किया करते थे। तो दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ये हमारे स्किन को क्लीन करके स्किन के पोर्स को बंद करती है और हमारी स्किन को टाइट करती है। दोस्तों, जिन लोगों को झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो वो भी मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। तो अब जो दूसरी चीज इस नुस्खे में यूज करेंगे दोस्तों, वो है टोमेटो जूस। ये देखिए दोस्तों, पहले से ही मैंने एक टमाटर से जो रस था वो मैंने पहले से इस नुस्खे में निकाल लिया है। दोस्तों, टमाटर के अंदर स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्किन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे स्किन को टाइट करके हमारे स्किन को गोरा बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसके अंदर हम लेंगे दोस्तों 2 चम्मच टमाटर का जूस। ये देखिए, इस प्रकार से टमाटर का जूस हम इसके अंदर ले लेते हैं। दोस्तों, टमाटर के जूस के अंदर और भी ऐसे ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग अपने चेहरे पर टमाटर का यूज करते हैं वो लोग जानते हैं कि टमाटर कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से आपको 2 चम्मच इसके अंदर टमाटर का जूस ले लेना है। अब तीसरी और आखिरी चीज हम इस नुस्खे में यूज करेंगे दोस्तों, वो ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी है तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं यूज कर सकते। तो वो है दोस्तों गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। दोस्तों, अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी का भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ मैं गुलाब जल इसलिए यूज कर रहा हूँ, जिन लोगों को दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, वो इस नुस्खे से सॉल्व हो जाएगी, यानी कि गुलाब जल यूज करने से सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको दाग धब्बों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मल पानी से भी काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं लूंगा 2 चम्मच गुलाब जल का इस प्रकार से। ये देखिए, गुलाब जल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। दोस्तों, हमारे स्किन के पोर्स के अंदर जाकर के जो हमारे स्किन के अंदर जो डर्ट होता है, पोल्यूशन होता है, जो भी धूल मिट्टी गंदगी होती है, ब्लैकनेस होती है, उसको खींचकर बाहर निकाल देता है और हमारे पोर्स को क्लीन कर देता है। साथ ही साथ चेहरे पर ऑयल आना यानी कि ऑयली स्किन को भी ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब ये तीनों चीज जो मिलकर काम करेंगी दोस्तों, उस पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, जब आप इसे यूज करेंगे तो ही आपको ये पता लग सकेगा। तो दोस्तों, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, एक बहुत ही गाढ़ा और एक बहुत ही अच्छा पेस्ट हमारी स्किन के लिए बनकर जो है तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये लगभग बनकर तैयार हो गया है, 5 ही सेकंड में ये बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको बनने के बाद दिखाई देगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे आपको अपने चेहरे पर करना है। दोस्तों, नहाने से आधा घंटा पहले इसे अपने चेहरे पर आपको लगाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा ताकि किसी तरह की धूल मिट्टी और या फिर तेल आपके चेहरे पर ना लगा हो। तो इसको अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है। मैं आपको बताता हूँ लगाने का तरीका। आपको अपनी 2 से 3 उंगलियों में लेना है, हाथों को साफ रखना है पहले ही। तो इस प्रकार से आपको एक लेप की तरह अपने पूरे चेहरे पर इसको लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, एक काफी अच्छे तरीके से एक पैक की तरह ये आपको अपने चेहरे पर लगा लेना है। ये देखिए, इस प्रकार से पूरे चेहरे पर आपको लगाना है, जहां पोर्स है सिर्फ वहां नहीं, पूरे चेहरे पर आप इसे अप्लाई करें ताकि आपके चेहरे को ग्लोइंग भी बनाए। तो इस प्रकार से लगा लेने के बाद में इसको सूखने के लिए यूं ही छोड़ देना है। ध्यान इस बात का रखना है, इसको आपको पंखे की हवा से नहीं सुखाना है या फिर धूप में बैठकर नहीं सुखाना है, इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर सूखने देना है, तभी ये काम अपना अच्छे से कर सकेगा। ऐसा करने से दोस्तों, आपको इसको जब भी जिसे ये सूख जाए उसके बाद में आपको इसे ठंडे पानी से अपने चेहरे से धो लेना है और ये नुस्खा आपको लगातार 7 दिन तक ट्राई करना है।
7 से 10 दिन भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों शुरू के 2-3 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा और 7 से 10 दिन यूज करने के बाद में आपके चेहरे के ओपन पोर्स पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे, साथ ही साथ चेहरे पर तेल आना बंद होगा, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चेहरे पर दाग धब्बे होंगे वो ठीक हो जाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों की झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो ये जो हम नुस्खा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्किन टाइटनिंग के लिए, यानी कि पोर्स को क्लोज करने के लिए, तो जिन लोगों की झुर्रियों की प्रॉब्लम है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नुस्खा, अगर आपको नुस्खा पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाते जाते अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।